गणेश नवयुवक मंडल सेवा समिति बसवा की तरफ से रणथंबोर गणेश जी महाराज की हरियाली की पहाड़ी ऊंची पहाड़ियों के बीच ये भंडारा लगाया जाता है। काफ़ी वर्षों से चले आ रहे इस भंडारे को काफ़ी मेहनत कस लोग अंजाम देते हैं। काफ़ी दूरियों पर चढ़ने के बाद किले की इतनी ऊंचाइयों को फानते हुए ये अपनी मेहनत का नज़ारा दिखाते हैं। ये रणथंबोर का नज़ारा भंडारे की तैयारी करते हुए गणेश नवयुवक मंडल बसवा की ओर से अपने अपने मेहनत और लगन से कार्य को अंजाम देते हुए ये रामनारायण हलवाई हैं जो कि काफ़ी दिनों से अग्रसर रहते हैं। प्रत्येक भंडारे में ये अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। पीछे देखिए महेंद्र कुमार सैनी प्याऊ पर अपना योगदान देते हुए, हनुमान प्रसाद सैन अपनी सेवाएं देते हुए बहुत ही लगन के साथ भंडारे में यात्रियों को अपनी सेवा प्रदान कर रहे हैं। रणथंबोर में पहाड़ियों के बीच बसे इस गणेश जी के मंदिर को सुनहरी चादर से ओढ़े हुए हलवाई अपने तैयारियों में जुटे हुए दाना पूरी सब्जी का आयोजन किया जाता है तमाम पदयात्रियों के लिए। जो भी गणेश जी के दर्शन करने आते हैं रणथंबोर, उन्हें प्रसादी का वितरण किया जाता है। ये प्रसादी की तैयारी करते हुए नवयुवक मंडल बसवा अपनी मेहनत और लगन को हमेशा अंजाम देते हैं। शुद्ध देसी घी से बनाया हुआ ये भंडारा, ये गणेश हलवाई मोहनलाल जी सैनी, महेंद्र कुमार सैनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हुए काफ़ी वर्षों से ये अपनी सेवाएं लगातार हर वर्ष प्रदान करते आए हैं। ये तैयारी में जुटे हुए शुद्ध देसी घी से दाना पूरी सब्जी की तैयारी करते हुए भंडारे में लोग, पास में ही पाताली माता का मंदिर है वो भी देखने लायक है। यहाँ हर वर्ष गणेश जी के दर्शन के लिए लाखों श्रद्धालु आते हैं। थोड़ी ऊपर चलकर तलहटी पर हनुमान जी का मंदिर है और ये मोहनलाल सैनी, गणेश प्रसाद, महेंद्र कुमार सैनी अपनी सेवाओं का योगदान देते हुए दाना पूड़ी सब्जी की तैयारी करते हैं। शुद्ध देसी घी से बना तैयार किए हुए ये मनोहरलाल जी हलवाई जो भी अपनी सेवाओं को हर साल अपनी लगन और मेहनत से अंजाम देते हैं। पास में ही पाताली माता का मंदिर है, ऊपर पहाड़ियों की चोटी पर हनुमान जी का मंदिर, उसी के साथ छठे हुए गणेश जी महाराज रिद्धि सिद्धि के दाता का मंदिर जहां पर सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। अपनी अपनी मेहनत और लगन को सब अंजाम दे रहे हैं। सभी अपनी मेहनत से कार्य करने में जुटे हुए हैं और ये पंडित जी हैं, ये लाइट डेकोरेशन की तैयारी करते हुए और भंडारे की तैयारी में गणेश जन सेवा समिति बसवा जिला दौसा राजस्थान आपका हार्दिक स्वागत करती है। हर साल की भांति यहाँ भंडारा लगाया जाता है शुद्ध देसी घी का और ये तैयारी में जुटे हुए लोग अपनी मेहनत और लगन से तैयारी करते हुए ये पहाड़ियों के बीच एक तालाब का नज़ारा देखिए जो कि काफ़ी गहराई में बना हुआ है। गणेश जी के नीचे मंदिर के नीचे है, लगातार तीन रोज तक अपनी सेवाएं देते हैं नवयुवक गणेश मंडल बसवा। पानी के बीच और पार्क में ना जाएं, टेंट में थोड़ा आराम करते हुए कार्यकर्ता अपनी मीटिंग को शांतिपूर्वक ढंग से समझाते हुए उनके पदाधिकारी बड़े ही शालीनता के साथ अपना कार्य करना है, बहुत ही धैर्य के साथ ही अपने काम को अंजाम देते हैं। बहुत ही मेहनत के लोग
हर साल अपनी मेहनत का नजारा पेश करते हैं। कि अपन यहाँ गणेश भक्तों की सेवा करें। गणेश नवयुवक मंडल बसुआ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। हमसे जुड़े रहने के लिए फॉलो करें, कृपया ये जन जन तक पहुँचाए कि धर्म की आस्था और सनातन धर्म से जुड़े रहने के लिए हमें फॉलो करें। गणेश नवयुवक मंडल सेवा समिति बसुआ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। ये प्रसादी ग्रहण करते हुए कभी आपने भूमि गणेश जी के दर्शन करने आते हैं। सभी कभी आते के लिए प्रसादी का प्रसादी की व्यवस्था की जाती है। थोड़ा सस्ता तो ही अपनी सेवा समिति के अध्यक्ष धर्मार्थ क्या हुए भंडारा बसवा सेवा की तरफ से उनके भूतपूर्व महामंत्री श्री संतोष कुमार जी छैला की अगवानी में पहले जाया करते हैं। उनका समाप्त निधन होने के बाद अब भी ये सेवाएं लगातार जारी हैं। जो भी भक्तों से जुड़े हुए हैं वो लगातार अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हर साल की भांति इस साल भी रोचक नज़ारा गणेश नवयुवक मंडल की तरफ से रणथंभौर गणेश जी महाराज युद्ध सिद्ध के दाता के यहाँ भंडारा लगाया। शुद्ध देशी गीता के अनुरूप पर भंडारा चलता है। ये पहाड़ियों के बीच एक तालाब का नज़ारा जो कि गणेश जी मंदिर के बिल्कुल नीचे है, पास में ही पाताली माता का मंदिर और चोटी पर हनुमान जी विराजमान हैं। बहुत ही हरियाली का रोचक नज़ारा देखने को मिल रहा है। रणथंभौर एक पूजनीय देवता होने की वजह से उनका सर्वोपरि स्थान रखा जाता है। सभी लोगों की आस्था और धर्म से बहुत लगाव है। ये पानी का नज़ारा काफ़ी हद तक ये प्रसादी ग्रहण करते हुए पदयात्री तीसरा दिन और भंडारे का समापन होने में भी काफ़ी देर है, लेकिन भीड़ लगातार आ रही है गणेश जी के दर्शनों के लिए। ये छोटे लाल जी सैनी अपनी सेवाएं देते हुए महेंद्र कुमार सैनी जो कि हर साल अपने योगदान प्रदान करते हैं, ये सभी भंडारों में अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। गणेश जी के, भर्तृ जी के, नारायण जी के सभी जगह अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। जैसे भी उनसे बन पाती है महेंद्र कुमार जी सैनी अपनी सेवाएं प्रदान करते हैं। धर्मार्थ प्याऊ का आयोजन किया जाता है। कोई यात्री दुखी और परेशान है, ये हनुमान जी की मूर्ति का नज़ारा और सभी भक्तगण अपनी अपनी पोजीशन में काम करते हुए तैयारी में जुटे हुए हैं। तीन रोज तक ये भंडारा लगातार लगाया जाता है। शुद्ध देशी घी का नवयुवक मंडल, नवयुवक गणेश मंडल की ओर से ये सेवाएं प्रदान की जाती हैं। काफ़ी अच्छी सेवाओं से अभिभूत बसुआ के ग्रामवासी तलहटी पर अपनी सेवाएं देते हुए पहाड़ियों की चोटी पर बड़ी मेहनत और लगन के साथ अपनी सेवाएं देते हैं। नवयुवक मंडल बसुआ गणेश नवयुवक मंडल आपका हार्दिक अभिनंदन करती हैं। अपनी सेवाओं में जुटे हुए सभी मेहनती लोग अपनी सेवाएं भंडारे में प्रदान कर रहे हैं। ये महेंद्र कुमार सैनी अपनी सेवाएं देते हुए ये सभी पदाधिकारियों को समझाते हुए कि सबको संयम व्रत कर अपना काम कार्य धैर्यपूर्वक करना है। इसी का ये पदाधिकारी अपना संबोधन करते हैं और उन्हीं के कथन अनुसार अपने कार्य क्षमता को अंजाम देते हैं। नवयुवक मंडल बसुआ आपका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। गणेश नवयुवक मंडल बसुआ आपका हार्दिक अभिनंदन करती है। धन्यवाद। हमसे धर्म से जुड़े हुए रहने के लिए फॉलो करें। ये गणेश जी के दर्शन करते हुए रोचक नज़ारा चलो।